उसके अपने हाथ का लिखा हुआ नोट मिला था वहां। उसने लिखा कि वो मेरी वजह से कर रही थी, मेरे लिए, क्योंकि वो जानती थी कि मैं उसे नहीं चाहता था। और ये सच भी था, मैं उसे नहीं चाहता था। वो जानते थे मैं कभी भी छोड़कर चला जाऊंगा, मैं उस सारे झमेले से हाथ धो लेना चाहता था। सोचता था किसी संभली हुई लड़की के साथ फिर से जिंदगी शुरू करूंगा। किसी ऐसी लड़की के साथ जो मेरे साथ दिमागी खेल ना खेले, जो मेरे हर काम और इरादे पर सवाल ना उठे। इसके साथ रहते हुए मैं हर वक्त दहला और सहमा सना रहा हूं। मैं हमेशा डरता था कि वो मुझे मार डालेगी, मेरी अपनी पत्नी। मैं डरता था कि किसी दिन वो दूध में जहर मिला देगी, या फिर आधी रात को नींद में मुझे चाकू मार देगी। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूं, मैं सोने से भी कतराता था। कभी कभी सोचता हूं कि उसने ऐसा क्यों नहीं किया। शायद वो मुझसे प्यार करती थी। अक्सर कहती थी, अगर तुम जाना चाहो तो लेकिन जो उसने किया वो सब सोचकर दिल दहल जाता है। मैं उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन बार बार फोन में लतपत वो मुझे दिखाई देती है। उसने अपनी कलाई की मिस काटी थी दिवाली के दिन जब मैं बाजार गया हुआ था। उसकी आंखें कांच की जैसी हो गई थी, मरी हुई मछली की आंखों जैसी। मेरी पत्नी थी वो, और वो मंजर मेरे दिमाग से जाता नहीं, बहुत कोशिश करने के बाद भी।